मेरी चप्पल उड़ गई, चप्पल उड़ गई। ओ ओ ओ अबे गिर जाएंगे। ओ भाई इनकी क्रिएटिविटी देखो, हार्ट देखो। ये रेगिस्तान की सवारी। अच्छा, चार पांच दिन हो गए इनको ऊपर आए हुए। देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता लेटने की कोशिश करेगा। दोस्तों मेरे साथ आओ, अभी एक चीज दिखाता हूँ आपको, बहुत ही प्यारी चीज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन माय वीडियो। एंड आज हम आए हैं प्योर व्हाइट डिजर्ट पे। आप सब दोस्तों की एक रिक्वेस्ट थी कि हमें प्योर व्हाइट डिजर्ट दिखाओ, तो ये है वो प्योर व्हाइट डिजर्ट। देखें कितना खूबसूरत नजारा है। और हम यहाँ पे बाइक पे आए भाई, बाइक पे बाइक चढ़ाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे। ये देखें हम बाइक पे आए, इतने बड़े ड्यून पे बाइक चढ़ाना मतलब एक चैलेंज की तरह है। देखें कितना ऊपर आए हम। ये व्हाइट डिजर्ट सिंध का अचड़ो तर। हमारे पास दो बाइकें थी, एक सीडी बाइक जो यहाँ पे हमने रोक दिए, ज्यादा ऊपर नहीं आ सकी, और हमारे पास दूसरी बाइक है 125 जो सही चला रहे थे, इतनी ऊपर ले आए। तो अभी बारिश भी हो रही है और सांस भी मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि ये जो ड्यून बना हुआ है ये बहुत ही ऊपर है और मौसम पूरा खुशगवार हो चुका है। मैं तो थक गया यार, बहुत थक गया। देखो कितना ऊपर आया हूँ मैं, आधा सफर तो मेरी बाइक ने मेरा साथ दिया, लेकिन यहाँ पर बाइक ने भी साथ छोड़ दिया। उसके बाद मैं पैदल आया और पैदल मेरी ये हालत हो गई। हम ऊपर जाने वाले हैं, जो ऊपर वाला टीला है जो सबसे बड़ा है, अछड़ो सड़क का सबसे बड़ा टीला जो ऊपर वाला है, वहां से पूरा अछड़ो सड़क नजर आता है। हम इस टीले पर पहुंचने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहना, आ जाओ और हम आपको नजारा दिखाएंगे पूरा अछड़ो तर का यहाँ से। फरमान भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? जबरदस्त लग रहा है। अच्छा अभी बारिश हो रही है, कहाँ पर बैठे हम? अछड़ो घर में। अच्छा शिवाज भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और बारिश भी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। व्यू चेक करो भाई, कितना प्यारा मौसम है, हर जगह धुंध छा गई है क्योंकि बारिश हो रही है अभी, और यहाँ पे लोग भी रहते हैं काफी, नीचे रहते हैं। तो अभी बारिश हो रही है और देखो ग्रीनरी, देखो आप यहाँ की ग्रीनरी चेक करें। क्या हो रहा है शिवाज भाई? दोस्तों देखो ये बोतल सीटियां मार रही है, इसको बहुत सर्दी लग रही है, तो अच्छा यहाँ पे आपने चप्पल क्यों उतारी है? यार यहाँ पर क्या मैंने भी उतार दी, ये देखो कितने खराब हो रहे हैं। यहाँ पर चप्पल उतारने में जो है ना फील एक मट्टी की, एक अपनी धरती की फील जो आती है ना, वो मट्टी उतार चप्पल उतारने के बाद आती है, ठीक है ना। शहरों में रोड वगैरह है, लेकिन वहाँ का वाइब अलग है, यहाँ का वाइब अलग है। आप कभी आए तो यहाँ पर चप्पल उतार के चल के देखना। ओ मेरी चप्पल उड़ गई, चप्पल उड़ गई। यार चप्पल ले, चप्पल ले आकर दो फिर। ले गया ना, बहुत नीचे। यार चप्पल ले आओ। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। खुद भाई को बोलो, खुद भाई को बोलो जो आ रहा है ना भाई। यार चप्पल उड़ गई है। नहीं नहीं पीछे पीछे जो आ रहा है ना, चलने के बहुत तेज हो रहा है जो पीछे आ रहा है ना। ये कौन है? लाठी भी है। लाठी से क्या करेंगे? लाठी से तुम्हारी चप्पल लेके आएंगे। यहाँ पे जो रहायशी बच्चे रहते हैं वो भी आए, इनसे थोड़ी मस्ती मजाक करेंगे। चा ना लो, आ क्या करना है? स्कूल में ना, स्कूल कितनी है? स्कूल था जो केतरो परे हुंदो स्कूल? हाँ कहते वींदा आयो पंद। हाँ इते मजो अचे तो तांगे, मजो अचे तो इते। तुझे दोस्त आए थे? कौन है दोस्त? वो मूसा दोस्ती कंदे हर पान दोस्त आयो। सही आओ तो वट इंदुस, ठीक है घुमण घुमाइंदे मुके सजो एरिया। के बच्चों से थोड़ी एक्टिविटी करवाते हैं, देखते हैं ये क्या बना कर दिखाते हैं। जैसे क्या हम बचपन में मट्टी के घर बनाते थे, वही बचपन की यादें ताजा होगी। और ये देखें क्या बन रहा है शिवाल भाई? दोस्तों मैं गांव का बच्चा नहीं हूँ, गांव के बच्चे ये दोनों। मुझे गांव का बच्चा बैठा है। वो क्या बैठा है बाबा, बुधायो सचो चोरिया चमोरा। हाँ मुझे याद आ गया, जैसे हम बचपन में बनाते थे ये सब। यार वो बाइक देखो कितनी छोटी नजर आ रही है, नजर ही नहीं आ रही। कौन सा? कौन सी? कौन सी? गिर जाएंगे।
दोस्तों अभी इस साइड देखो कोई भी बारिश वारिश का सीन नहीं है, बादल भी नहीं है, और इस साइड देखो आप फुल सीन बना हुआ है। लगता है आज रात को खतरनाक बारिश होने वाली है ना। ये क्या लिखा है? MS, MS, MS. क्यों M को आपने पहले किया है? M हमेशा पहले ही होता है। अच्छा मैं तो समझ गया। लेकिन यार बच्चों को कोई काम दिया था बेटा, आपने काम कर लिया जो हमने आपको दिया था? ये बच्चे ने आग का गोला हाथ में पकड़ा हुआ है, देखो थोड़ा नोट कर। भाई इनकी क्रिएटिविटी देखो, आर्ट देखो, जबरदस्त क्या आर्ट बनाया है इन्होंने। दीपक भाई आप भी लग गए क्या? यार बच्चों के साथ थोड़ा बचपन ताजा हो जाए। अच्छा बचपन में हम भी ऐसे कभी बनाया करते थे, और फिर कोई बनाता था तो हम उसका तोड़ के भाग जाते थे, बड़ा मजा आता था। नहीं तो मेरे साथ आओ, अभी एक चीज दिखाता हूँ आपको, बहुत ही प्यारी चीज है। ये देखे रेनबो कितना प्यारा है। ज्यादा बारिश होने के बाद रेनबो निकलता है यहाँ पर। अच्छा ज्यादा बारिश होने के बाद जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है वहाँ पर रेनबो निकलता है। यहाँ पर अभी बारिश बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। यहाँ पर डेजर्ट इलाका है तो हमको फील नहीं हुई है। ये भी बात है, शहर होता तो आधे से डूब जाते हो। शहर में भाई वैसे ही काम उतरा हुआ है अभी। लेकिन ये रेनबो का सीन चेक करें आप, बहुत ही कमाल सीन है। अभी मैं यहाँ की बकरियों के साथ बैठा हूँ, ये ऐसे फील करवा रही है जैसे मैं कोई यहाँ पे नया बंदा आया हूँ। वैसे भी मैं नया बंदा ही हूँ, लेकिन ये चेक करें इनका रिएक्शन, चेक करें आप। सब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। दोस्तों ये रेगिस्तान की सवारी ऊंट, ये देखो कितना प्यारा है। ये रेगिस्तान की सवारी, यहाँ पर ऐसे सवारी करते हैं लोग। दोस्तों ये यहाँ के लोगों की लाइफ है, यहाँ पे तकरीबन इनका जो गुजारा होता है ना वो इन भेड़ बकरियों पे होता है। होते हैं ये है छोटी छोटी बकरियां, कितना प्यारा है। पूरा जो रण होता है ना इसको रण कहते हैं, रण कच्छ। शाम हो गई दोस्तों, अभी रात भी होने वाली है। अभी यहाँ के लोगों की लाइफ देखेंगे कि ये किस तरह से रहते हैं यहाँ पर, थोड़ी बात करेंगे इनसे। शाम होते ही यहाँ पर मच्छर आ जाते हैं, माल को तंग करते हैं, तो इसलिए कुछ हिफाजती उपाय ये करने में लग जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मच्छरदानी लगाई हुई है जो मच्छरों को रोकती है। ये भैंस है, भैंसों के बछड़े भी इनके साथ हैं। ये बेचारे दूर से यहाँ पे आते हैं क्योंकि जो बारिश होने के बाद नीचे गप हो जाती है, कीचड़ हो जाती है, जिसकी वजह से मच्छर भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन बेचारों को इस साइड आना पड़ता है, बिड्डों के साइड। ऐसा ही है ना? अच्छा आप बता सकते हैं आप ऊपर कब आए? 4-5 दिन। अच्छा 4-5 दिन हो गए इनको ऊपर आए हुए। मच्छर जाम थी हाल बनी भी अगते पोते उस पानी पी रहे पूर्ण जैसा मजबूरी में वरी एडा आया थी बरसात तो पानी के अंदर और बटा। अभी इन बछड़ों को मच्छरदानी में डाल रहे हैं कि मच्छर से इनको बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो यहाँ का जो दूध होता है वो प्योर होता है, देखें इसमें किसी चीज की भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है। यहाँ पर ना पाउडर की मिलावट है ना किसी चीज की मिलावट है, ये प्योर निकाल के आए नीचे से दूध। दोस्तों अभी ये ऊंट सो रहा है, यहाँ पे आराम कर रहा है, बहुत ही थके हुए होते हैं, सारा दिन रेगिस्तान में चलते हैं बेचारे, अभी ये सोने की तैयारी में। जैसे ही शाम होती है सोने लगते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता लेटने की कोशिश करेगा, ये हमसे शायद शर्मा रहा है, अपना चेहरा वहां पे कर दिया है, सो गया है। तो दोस्तों अभी ऊंट भी सो गया है और रात भी हो गई है, अब निकलते हैं हम अपने अपने शहर की तरफ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये थी अछड़ोत्थर डिजर्ट की लाइफ,
अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहा तो और भी वीडियोस बनाएंगे।